एक लाख बोहरान। अब बताइए कश्यप साहब, आप बता रहे थे अब जब ये हालत है तो अंदाज लगा दो भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी, किस गड्ढे में। इतने मजबूत साथी बैठे हमारे साथी भाई अरूप सिंह जी, जिन्होंने मेरी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। उस समय हरिशंकर रावत और तमाम लोगों के और ये पार्षद भी थे, ये भी जिला पंचायत सदस्य थे। हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी को जिताया था और एक वोट से जीती थी, लेकिन छह महीने के अंदर अंदर जब कोई प्रस्ताव होता था तो दोनों हाथ उठाकर सभी लोग कहते थे कि अध्यक्ष जी कह रही है पास पास पास, इतना विश्वास हासिल कर लिया हमारे मन पर। आदरणीय छोटेलाल यादव जी हैं, प्रदेश के सचिव हैं, और कितने सौभाग्यशाली हैं इनकी बेटी जो इस देश की आबादी है आधी इनसे बढ़िया धारदार बोलती है। और कौन पांडे क्या बात करते हैं, कौन पांडे को कितना मानते हैं हमारे नेता। 12 का चुनाव रहा, माने जी ने कहा अयोध्या से आपका चेला, मैंने कहा भैया मैं चेला तो नहीं लगता, साथी सहयोगी रखता हूँ, कैसा रहेगा। आपकी मंशा कौन से है, हाँ जिता लोगे। हमने कहा 100%। और आज सवेरे मैंने कह दिया इनके घर पर जाकर कह दिया, मैंने इनके घर पर आज 8 बजे जाकर कह दिया कि पवन जी घबराना नहीं, 27 का जो चुनाव होगा घर बैठे रहोगे, 50,000 वोट से जिताने का काम करूंगा। और जो रावत बिरादरी है इस चुनाव में जुड़ गई है और जुड़ जाएगी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25,000 वोट बढ़ेगा। आज हमारे मन पर कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष